मैं किसी से माफी नहीं मांगने वाला, अतिरेक ने मुंह फेरते हुए कहा। तो अदिति भी उसे चेतावनी देते हुए बोली, ठीक है तो फिर मैं माफी मांगूंगी उससे, तुम्हारी तरफ से। तू भी उससे माफी नहीं मांगेगी, अतिरेक ने अदिति का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा। तो अदिति भी अपना हाथ छुड़वाते हुए बोली, गलती करके माफी मांगने में तुम्हें शर्म आती होगी, मुझे नहीं। इतना कहकर अदिति चली गई और अतिरेक गुस्से में उसे जाते हुए घूरता रहा। अदिति जानती थी कि इस वक्त आरव लाइब्रेरी में ही होगा, इसलिए वो उससे माफी मांगने के लिए लाइब्रेरी पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि आरव गुमसुम सा एक कोने में बैठा हुआ था। अदिति भी धीरे से उसके बगल में आकर बैठ गई और अपनी नजर झुकाते हुए बोली, आई एम रियली सॉरी आरव। अब तुम भी माफी मांग रही हो, तुम्हारी क्या गलती है? आरव ने अचानक से अदिति को वहां देखकर हैरानी से पूछा। तो अदिति बुझी हुई आवाज में बोली, अतिरेक ने बिना सोचे समझे ही तुम पर हाथ उठाया, उसके लिए उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। और उसकी तरफ से तुम क्यों माफी मांग रही हो? आरव ने भौहें मटकाकर रहस्यमयी मुस्कान के साथ पूछा। तो अदिति नजरें चुराते हुए बोली, वो मैं एक्चुअली, रहने दो, तुम इस सवाल का जवाब नहीं दे पाओगी, क्योंकि इस सवाल का जवाब तुम आज तक उसे भी नहीं दे पाई हो, पर मुझे इस सवाल का जवाब पता है, आरव ने हंसते हुए कहा। तो अदिति हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। ऐसे मत देखो अदिति, मैं जानता हूं कि तुम अतिरेक से प्यार करती हो, आरव ने अदिति की आंखों में झांकते हुए कहा, जिस पर अदिति नजरें चुराते हुए बोली, और तुम मुझसे, है ना? इस बार नजरें चुराने की बारी आरव की थी, इसलिए वो अपनी नजरें चुराकर घबराते हुए बोला, नहीं नहीं तो। झूठ मत बोलो आरव, आस्था ने मुझे सब बता दिया है, अदिति ने आंखें दिखाते हुए कहा। तो आरव ने बिना कुछ कहे अपनी नजरें झुका ली। तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, क्यों? हम तो बेस्ट फ्रेंड्स थे ना, अदिति ने परेशान होकर कहा। तो आरव उसे समझाते हुए बोला, बेस्ट फ्रेंड्स थे इसीलिए तुम्हारी खुशियों का ख्याल तुमसे ज्यादा था मुझे, मैं जानता था कि तुम्हारी खुशी केवल अतिरेक है, मैं नहीं। आरव की बातों ने अदिति को बहुत भावुक कर दिया था, उसे अब बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। आरव उसकी ये परेशानी समझ गया, इसलिए वो खुद ही बोल पड़ा, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है अदिति, मैं कभी भी तुम दोनों के बीच नहीं आऊंगा और हम हमेशा अच्छे दोस्त बनकर ही रहेंगे। काश अतिरेक भी ये समझ पाता, अदिति ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा। तो आरव मुस्कुराते हुए बोला, अतिरेक मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है, तुम हो, और तुम ये बात समझ गई, मेरे लिए इतना ही काफी है। तुम इतने अच्छे क्यों हो आरव? अतिरेक ने तुम्हें इतना दुख दिया फिर भी तुम, अदिति ने उदास होकर कहा। अतिरेक को मैं हमेशा से गलत ही समझता आया हूँ, पर उस दिन जब ये पता चला कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम भी उसे चाहती हो, तब एहसास हुआ कि तुम्हारी पसंद कभी गलत नहीं हो सकती। आरव ने अदिति की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। तो अदिति मन ही मन सोचने लगी, तुमने आरव को हर्ट करके बहुत बड़ी गलती की है अतिरेक, तुम्हें उससे माफी मांगनी ही पड़ेगी। आरव का हर शब्द अदिति को निशब्द कर रहा था, इसलिए वो खामोश होकर बैठ गई। उसकी आंखों में अभी भी उदासी छाई हुई थी। ये देखकर आरव उसे हंसाने की कोशिश करते हुए बोला, अब ये इतना सड़ा सा मुंह क्यों बनाया हुआ है? इतना भी नहीं मारा है उसने मुझे जितना बुरा चेहरा तुमने बनाया है। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि तुम ऐसे दुखी होकर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसलिए मुस्कुराती रहा करो। आरव की बातें सुनकर अदिति ना चाहते हुए भी मुस्कुराने लगी। उस दिन के बाद से अतिरेक और अदिति में फिर से एक शीत युद्ध शुरू हो गया। अदिति बार बार अतिरेक को आरव से माफी मांगने के लिए कह रही थी, पर अतिरेक था कि उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। उन दोनों के बीच हुए झगड़े से रोहन और मोहिनी बहुत खुश थे, क्योंकि अदिति और अतिरेक अब अलग हो गए थे और यही सही मौका था उन दोनों से अपना बदला लेने का। एक दिन अदिति कॉलेज के बाद घर जा रही थी और हमेशा की तरह अतिरेक भी उसके पीछे ही आ रहा था। दरअसल अदिति के हॉस्टल का रास्ता काफी सुनसान था, इसलिए अतिरेक हमेशा उसे छोड़ने के बाद अपने हॉस्टल जाता था।
लेकिन अब तक अदिति को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। वो बस अपनी ही धुन में मस्त होकर चली जा रही थी, तभी कुछ गुंडों ने उसे घेर लिया और उसके साथ बदतमीजी करने लगे। ये सब देखते ही अतिरेक भागते हुए वहां पहुंच गया और उन सब में झगड़ा शुरू हो गया। पर वो 8 थे और अतिरेक अकेला था। बेचारा कब तक लड़ता, इसलिए वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा और उन लोगों ने अतिरेक को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। रोहन और मोहिनी दूर से मुस्कुराते हुए ये सब देख रहे थे। अदिति ने चिल्लाकर मदद मांगना शुरू कर दिया, पर तभी उनमें से एक ने अदिति का मुंह कस के पकड़ लिया और कुछ लड़के उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगे। इसी बीच किसी ने अदिति के साथ जबरदस्ती कर रहे लड़के को एक जोरदार घूंसा मारा, जिससे वो दूर जा गिरा। अदिति ने हैरानी से उस लड़के की तरफ देखा। वो लड़का कोई और नहीं, आरव था। आरव के साथ उसके दोस्त भी थे। उन सब ने उन गुंडों की अच्छे से धुलाई की। रोहन और मोहिनी को अपना प्लान एक बार फिर से फेल होता दिख रहा था। पकड़े जाने के डर से उन दोनों ने गुंडों को वहां से भागने का इशारा किया और खुद भी डर के मारे वहां से 9-11 हो गए। अदिति अभी भी बहुत सहमी हुई थी और अतिरेक को भी काफी चोट लगी थी, इसलिए वो अभी भी जमीन पर ही पड़ा हुआ था। ये सब देखकर आरव ने अपने एक दोस्त को बाइक लाने के लिए कहा और फिर उन दोनों को सहारा देकर पास में पड़ी एक बेंच पर बिठाया। अदिति और अतिरेक दोनों हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया, फिर भी आज तूने मेरी जान बचाई, क्यों? अतिरेक ने अपनी नजरें झुकाकर हिम्मत बटोरते हुए कहा, तो आरव उसे टालते हुए बोला, ये टाइम इन सब बातों का नहीं है अतिरेक, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। कुछ ही देर में उसका दोस्त बाइक लेकर आ गया और फिर उसने उन दोनों को बाइक में बिठाकर उनके हॉस्टल छोड़ दिया। आरव का ये रूप देखकर अतिरेक बहुत बेचैन हो रहा था। कहीं उसने सच में तो आरव को गलत नहीं समझ लिया, यही सोच सोचकर वो लगातार परेशान हो रहा था। उसका दिल उसे बार बार कोस रहा था, इसलिए उसने सारी सच्चाई जानने का फैसला किया और हॉस्टल पहुंचते ही आस्था को कॉल लगा दिया। आस्था, मुझे सच सच बता कि तेरे और साहिर के बीच में क्या हुआ है? क्या सच में आरव तुम दोनों के बीच में आ रहा है या बात कुछ और है? आस्था के फोन उठाते ही अतिरेक ने उस पर सवालों की बौछार कर दी। आस्था पहले ही अतिरेक से खफा थी, इसलिए वो झल्लाते हुए बोली, मैं पहले भी कह चुकी हूँ अतिरेक कि आरव सिर्फ मेरा दोस्त है। साहिर से रिश्ता मैंने सिर्फ और सिर्फ उसकी खुद की गलत फहमियों और इनसिक्योरिटीज की वजह से थोड़ा है, आरव की वजह से नहीं। आरव ने अतिरेक को साहिर के शक और बदलते व्यवहार के बारे में सब कुछ बता दिया। सच जानकर अतिरेक गुस्से में साहिर के पास पहुंच गया। उसके बाकी के दोस्त भी वहीं पर थे। वो सब उसके शरीर में लगे जख्मों को देखकर परेशान हो गए। अरे, तुझे चोट कैसे लगी? जय ने पूछा, तो अतिरेक साहिर की तरफ देखते हुए बोला, वो सब छोड़ जय, बाद में बताऊंगा, पहले मुझे साहिर से बात करनी है। क्या हुआ, तू इतने गुस्से में क्यों है? साहिर ने अतिरेक के गुस्से को भांपते हुए कहा, तो अतिरेक चिल्लाते हुए बोला, अपनी बेवकूफी की वजह से। तूने क्या बेवकूफी की है? साहिर ने असमंजस से पूछा, तो अतिरेक खुद पर हंसते हुए बोला, यही कि अपनी दोस्ती के चक्कर में मैं इतना अंधा हो गया कि सही गलत जानना तक जरूरी नहीं समझा, पर अब मैं कोई बेवकूफी नहीं करूंगा और ना ही तुझे करने दूंगा। आस्था ने मुझे सब बता दिया है, तेरे रिलेशनशिप के टूटने की वजह तू खुद है साहिर, आरव नहीं, इसलिए आज के बाद तू आस्था और आरव दोनों की जिंदगी में कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। आस्था मेरी गर्लफ्रेंड है अतिरेक, और हम दोनों के बीच जो भी आएगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, साहिर ने गुस्से में आग उगलते हुए कहा। तो अतिरेक भी उस पर चिल्लाते हुए बोला, वो तेरी गर्लफ्रेंड थी, पर अब उसने तुझसे सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं, इसलिए अब तू उस पर अपनी मर्जी नहीं चला सकता। इससे पहले उन दोनों में झगड़ा शुरू होता, हिमांशु बीच बचाव करते हुए बोला, तू कैसी बातें कर रहा है यार, साहिर प्यार करता है उससे। हिमांशु की बातों पर अतिरेक जोर जोर से हंसते हुए बोला, प्यार? रियली? इसे प्यार का मतलब भी पता है? और इसे ही क्यों, तुम में से किसी को भी प्यार का मतलब पता है?
तुम लोगों को याद है, मैंने एक बार तुम लोगों से कहा था कि तुम लोगों के पास प्यार नहीं, गर्लफ्रेंड है। तुम लोगों ने उनके लिए लिमिट्स बना रखी थी, और ये उन्हीं लिमिट्स का रिजल्ट है कि तुम सब के सब अपने प्यार को खो चुके हो। किसी की गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया, तो किसी ने अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया। तुम लोग जानते हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तुमने खूबसूरती, पैसा, स्टेटस, ये सब देखकर प्यार किया था। तुम लोगों के लिए प्यार हमेशा से एक दिखावे की चीज रहा है। प्यार के मायने क्या होते हैं, ये तो शायद तुम लोगों ने कभी महसूस ही नहीं किया, और ना ही कभी उसकी कदर की। तुम लोगों की इन्हीं हरकतों की वजह से तुम सबका प्यार तुमसे दूर हो गया, और अभी भी तुम्हें अक्ल नहीं आई। ये कहते हुए अतिरेक साहिर की तरफ मुड़ा और उसे घूरते हुए बोला, अभी भी तुम उसे इसलिए अपनी जिंदगी में नहीं चाहते क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो, बल्कि इसलिए चाहते हो क्योंकि तुम्हारा मेल ईगो हर्ट हुआ है इस बात से कि कोई लड़की तुम्हें कैसे छोड़ सकती है। अतिरेक ने एक बार फिर से सबकी बोलती बंद कर दी थी और सबके चेहरे उतर गए थे। उन उतरे हुए चेहरों को देखकर अतिरेक उन्हें समझाते हुए बोला, अभी भी वक्त है गाइस, संभल जाओ, वरना जिंदगी बार बार तुम्हें संभलने का मौका नहीं देगी। इतना कहकर अतिरेक वहां से जाने लगा, तभी जय उसे रोकते हुए बोला, अब तू कहां जा रहा है? आरव के हॉस्टल, उससे माफी मांगने। तू जानता है जब तक मेरी गलती नहीं होती मैं माफी नहीं मांगता, पर जब मुझे एहसास हो जाता है कि गलती मेरी ही थी तो मैं माफी मांगने में एक सेकंड की भी देरी नहीं करता। ये कहते हुए अतिरेक वहां से चला गया और सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। खे भी ना, कभी कभी ज्यादा ही पी लेता है, कुछ भी बोलता है, हिमांशु ने हंसते हुए कहा, तो जय उस पर चिल्लाते हुए बोला, बस कर हिमांशु, अतिरेक एकदम सही कह रहा है, हम सबके पास गर्लफ्रेंड्स थी, पर उसके पास सच में प्यार था, उसने सच में प्यार को महसूस किया था, इसलिए उसका प्यार आज तक उसके साथ है। हम सबको अपने रिश्तों में धोखा मिला और उसका कारण हम खुद भी जानते हैं। कुछ लड़कियों ने हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया तो कुछ की भावनाओं को हमने मजाक बनाकर दिया। हम उल्टा अदिति को गलत समझते रहे, हम हमेशा से उसका मजाक बनाते रहे, हमने कभी भी उसके अंदर छिपी उसकी अंदरूनी सुंदरता को देखना जरूरी नहीं समझा। आज जो अतिरेक इतने गर्व से हमें ये सब बोलकर गया है ना, वो इसलिए क्योंकि उसके पास अदिति जैसी लड़की का साथ है। कॉलेज के इन 2.5 सालों में एक भी ऐसा कपल नहीं है जो शुरुआत से लेकर अब तक साथ हो, सिर्फ ये दोनों ही ऐसे हैं जो आज तक साथ हैं। हमने क्या कुछ नहीं किया इन्हें अलग करने के लिए, पर ये दोनों अलग नहीं हुए, जानते हो क्यों? क्योंकि इनका रिश्ता प्यार ने जोड़ा था। अदिति हमेशा से हर मायने में अतिरेक के लिए परफेक्ट थी। अतिरेक हमारा बेस्ट फ्रेंड है, पर शायद हम भी उसके लिए अपनी जान दांव पर लगाने से पहले एक बार जरूर सोचेंगे। पर अदिति, उसने अतिरेक के लिए अपनी जान दांव पर लगाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। तुम लोगों को पता भी है कि अतिरेक आज अगर हमारे सामने सही सलामत खड़ा है तो वो सिर्फ और सिर्फ अदिति की वजह से। ऐसा है अतिरेक का प्यार, ऐसी है उसकी अदिति, और तुम लोग अब तक उसकी बात नहीं समझ रहे हो। जय तो ये बात समझ चुका था क्योंकि अदिति के प्यार की गहराई जय देख चुका था, पर उसके बाकी के दोस्तों के लिए ये समझ पाना इतना आसान नहीं था, इसलिए उन्होंने जय की बात भी मजाक में ही टाल दी। अतिरेक उसी वक्त आरव के हॉस्टल पहुंच गया और अतिरेक को वहां देखकर आरव हैरानी से बोला, तू यहाँ इस वक्त इस हालत में, तू डॉक्टर के पास क्यों नहीं गया अब तक? मैं तुझसे माफी मांगने आया हूँ आरव, मैंने बिना पूरी बात जाने ही तुझ पर हाथ उठा दिया, इसके बावजूद भी तूने आज मेरी जान बचाई, प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं तुझसे वादा करता हूँ कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। अतिरेक ने अपनी नजरें झुकाकर आत्मग्लानी से भरते हुए कहा। आरव भी उसके बर्ताव से समझ गया कि वो सच में अपनी गलती के लिए शर्मिंदा है, इसलिए वो मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, इट्स ओके, तू भी तो इंसान ही है, और फिर गलतियां तो इंसानों से ही होती है ना।
आरव की बातें सुनकर अतिरेक हैरानी भरी नजरों से उसे देखने लगा और फिर बुझी हुई आवाज में बोला, तूने मुझे इतनी आसानी से माफ कर दिया, क्यों? क्योंकि अगर मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा तो अदिति भी नहीं करेगी, जिससे तुम दोनों में दूरियां और भी बढ़ जाएंगी। इन सबसे अदिति बहुत उदास होगी और मैं उसे उदास नहीं देख सकता। ये सोचते हुए आरव अतिरेक के कंधे पर हाथ रखकर बोला, क्योंकि मैं जानता हूं तो दिल का बुरा नहीं है, बस थोड़ा सा पजेसिव है। आरव की बातें सुनकर अतिरेक को तसल्ली हुई और वो खुशी से उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए बोला, चल आज से हम सब कुछ भूलकर एक नई दोस्ती की शुरुआत करते हैं। आरव ने भी मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिला लिया और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। दोनों बैठकर बातें करने लगे, तभी अतिरेक का फोन बजा। अतिरेक ने जेब से फोन निकालकर देखा, अदिति का कॉल था। हाँ बोल, अतिरेक ने फोन उठाते हुए कहा तो अदिति घबराई हुई आवाज में बोली, अतिरेक तुम कैसे हो, ठीक से घर पहुंच गए ना? और चोट कैसी है तुम्हारी, तुमने डॉक्टर को दिखाया या नहीं? इससे पहले अतिरेक उसके सवालों के जवाब दे पाता, आरव ने उससे फोन ले लिया और फोन स्पीकर पर डालते हुए बोला, ये बिल्कुल ठीक नहीं है और इसने डॉक्टर को भी नहीं दिखाया है अब तक। अतिरेक घबराकर आरव को ये सब बताने से मना करने लगा और उधर आरव की आवाज सुनकर अदिति चौंक कर बोली, आरव तुम इसके ही हॉस्टल में हो क्या अभी तक? नहीं, मैं तो अपने हॉस्टल में ही हूँ, पर ये भाई साहब डॉक्टर के पास जाने की जगह मेरे पास आए हैं। शायद गुंडों ने सर पर कुछ ज्यादा ही जोर से मार दिया है। ये कहकर आरव हंसने लगा और अतिरेक अपनी सफाई पेश करते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ, ये ऐसे ही कुछ भी बोल रहा है। ये सब कहते हुए अतिरेक आरव को आंखें दिखा रहा था और आरव अभी भी हंसे जा रहा था। तभी सामने से अदिति की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, तुम तो चुप ही रहो और आरव तुम हंसना बंद करो और साफ साफ बताओ कि क्या चल रहा है। अदिति को गुस्से में देख अतिरेक इशारे में आरव को सच बताने से मना करने लगा, पर आरव उसे तसल्ली देते हुए धीमी आवाज में बोला, लेट मी हैंडल दिस। अतिरेक को तसल्ली देकर आरव अदिति से मुखातिब हुआ और उसे पूरी बात समझाते हुए बोला, दरअसल क्या है ना कि इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए ये मुझसे माफी मांगने आया है, क्योंकि जब तक मैं इसे माफ नहीं कर देता तुम भी इसे माफ नहीं करोगी, और जब तक तुम इसे माफ नहीं करोगी ये चैन से नहीं रह पाएगा। जो चोट इसके शरीर पर लगी है ना, उससे ज्यादा बड़ी चोट तुम्हारी नाराजगी दे रही है इसे, इसलिए इस चोट का इलाज पहले होना जरूरी है ना। आरव की बातें सुनकर अदिति की बोलती बंद हो गई और अदिति को खामोश देखकर अतिरेक आरव के दिमाग का कायल हो गया और इशारे से बोला, वाह भाई मान गया तुझे। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने अतिरेक को माफ कर दिया है, तुम भी कर दो, आरव ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा। उसकी बातों को सुनकर अदिति का दिल भी बहुत हल्का हो गया और वो मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए बोली, तुमने कर दिया बहुत अच्छी बात है, पर मैं बिल्कुल नहीं करने वाली। क्यों? अतिरेक और आरव दोनों ने एक साथ हैरानी जताते हुए पूछा, तो अदिति बोल पड़ी, क्या क्यों, हरकतें देखिए इसकी, जो काम जिस वक्त करना चाहिए उस वक्त कभी नहीं करेगा। जब सॉरी बोलने का वक्त था और मैं समझा रही थी, तब मेरी बात मानने की जगह मुझसे लड़ने में लगा हुआ था, और अब जब इतनी चोट लगी है और डॉक्टर के पास जाने का वक्त है तो वहां जाने की जगह सॉरी बोलने में लगा हुआ है, और अब सॉरी बोल दिया ना तो अब वहां क्या कर रहा है, अब जाए ना डॉक्टर के पास। हाँ तो मैं जा ही रहा था, फिर तेरा कॉल आ गया, अतिरेक ने सहमते हुए कहा। तो अदिति फिर से चिल्लाते हुए बोली, हाँ तुम्हारी जिंदगी में तो हर चीज मेरी वजह से ही होती है ना। एग्जैक्टली, तू जो है तो मैं हूं, अतिरेक ने मुस्कुराते हुए कहा। तो अदिति उसकी चालाकी को समझकर मुंह बनाते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं है मक्खन लगाने की, चुपचाप पहले जाकर डॉक्टर से इलाज करवाओ, उसके बाद ही मुझे कॉल करना। इतना कहकर अदिति ने फोन रख दिया और अतिरेक बेचारा सा मुंह बनाकर आरव की तरफ देखते हुए बोला, यार इसे संभालना ना हर किसी के बस की बात नहीं है,
केयर भी ऐसे करती है जैसे हफ्ता मांग रही हो। तू फिर भी लकी है यार, कम से कम वो तेरी केयर तो करती है। आरव ने एक बार फिर से आंखों में उतर आया अपना गम समेटते हुए कहा। हाँ यार, लकी तो मैं हूँ, क्योंकि अदिति जैसी प्यार करने वाली लड़की हर किसी को नहीं मिलती। अतिरेक ने मुस्कुराते हुए कहा तो आरव मन ही मन बोल उठा, और ये मुझसे बेहतर कौन जानता है। ना चाहते हुए भी आरव एक बार फिर से उदास हो गया, और उसकी उदासी देखकर अतिरेक हैरानी से बोला, क्या हुआ, तू अचानक से उदास क्यों हो गया? नहीं कुछ नहीं, तू ये सब छोड़ और डॉक्टर के पास चल, वरना कल कॉलेज में अदिति हम दोनों की क्लास ले लेगी, आरव ने झूठी मुस्कान दिखाते हुए कहा। नहीं नहीं, तू आराम कर, मैं चला जाऊंगा, अतिरेक ने कहा, और फिर आरव से विदा लेकर वहां से चला गया। अगले दिन कॉलेज आते ही अदिति सबसे पहले अतिरेक के पास पहुंची और उसके जख्मों को देखकर बुझी हुई आवाज में बोली, अब चोट कैसी है तुम्हारी, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? कोई नाराज था मुझसे शायद, अतिरेक ने मुस्कुराते हुए कहा। तो अदिति खींचते हुए बोली, हाँ तो नाराज अभी भी हूँ, पर हालचाल तो पूछ ही सकती हूँ ना। मैं नाराज लोगों को अपना हाल और चाल दोनों ही नहीं बताता, जब कोई प्यार से पूछता है तभी बताता हूँ, कहकर अतिरेक ने मुंह बनाया। तो अदिति भी मुंह बनाते हुए बोली, ठीक है मत बताओ, मैं जा रही हूँ। अदिति जाने लगी पर अतिरेक ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसे अपनी बाहों में कस के जकड़ लिया। अदिति घबरा कर इधर उधर देखते हुए खुद को छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली, पागल हो गए हो, छोड़ो मुझे कोई देख लेगा। छोड़ दूंगा, पर पहले तू ये बोल कि तूने मुझे माफ किया, अतिरेक ने मुस्कुराते हुए कहा। तो अदिति आंखें दिखाते हुए बोली, मैं नहीं बोल रही। तो मैं भी नहीं छोड़ रहा, अतिरेक ने मुंह बनाते हुए कहा। प्लीज छोड़ दो, अदिति ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा। तो अतिरेक भी उसी अंदाज में बोला, प्लीज माफ कर दो। ठीक है, पर पहले सॉरी तो बोलो, अदिति ने कुछ सोचते हुए कहा। तो अतिरेक अदिति को छोड़कर दोनों हाथों से अपने कान पकड़ते हुए बोला, अरे हाँ सॉरी बोलना तो मैं भूल ही गया, सॉरी अदिति, आगे से ऐसा नहीं होगा। गुड फॉर यू एंड थैंक यू मुझे छोड़ने के लिए, नाउ बाय। ये कहकर अदिति शरारती मुस्कान के साथ वहां से भाग गई और अतिरेक सिर पकड़कर सोचने लगा, इतनी स्मार्ट हो गए ना ये मेरे साथ रह रहकर। अदिति मुस्कुराते हुए अपनी ही धुन में खोई हुई चली जा रही थी, तभी वो जाकर जय से टकरा गई। ओह आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं, अदिति ने घबराकर कहा। तो जय मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, इट्स ओके, वैसे मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। मेरे पास क्यों, अदिति ने हैरानी से पूछा। तो जय अपनी नजरें झुकाते हुए बोला, तुम्हें सॉरी बोलना था। आई एम सॉरी अदिति, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा, हमेशा तुम्हारा मजाक बनाया, तुम्हें कितना टॉर्चर किया, हमेशा तुम्हें अतिरेक से दूर करने की कोशिश की। ये सब अगर अतिरेक जान जाता तो हमारी दोस्ती कब की खत्म हो जाती, पर इतना सब सहने के बाद भी तुमने हमारी दोस्ती टूटने नहीं दी। इट्स ओके, अदिति ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं अदिति, तुम इतनी आसानी से मुझे माफ मत करो, मैं इस लायक नहीं हूं, मैं तो सिर्फ सॉरी बोलकर अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहता था, तुमसे माफी की तो उम्मीद तक नहीं की थी मैंने, क्योंकि मैंने जो भी किया है उसके लिए तो सजा बनती है, माफी नहीं।